हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जॉनी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जीओ आई टी पोस्ट कोड नाइन थ्री नाइन का पेपर तो दोस्तों हमने कम्प्लीटली ये पेपर सॉल्व कर लिया है टू हंड्रेड क्वेश्चन तो दोस्तों हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं पहले हम ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों ये जो है वो सीरीज़ ए रहने वाली है तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक आपको पूरा एकूरेट आपको आंसर की इसकी प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी यानी कि पूरा पेपर आपको सॉल्व किया जाएगा जल्दी जल्दी हम पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों टू हंड्रेड क्वेश्चन है इसलिए कोई भी क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले प्रश्न से ही। पहला प्रश्न है दोस्तों डैशमल नंबर सिस्टम है डैश डैश डिजिट तो दोस्तों कितने डिजिट होते हैं डैशमल नंबर में आपके सामने ये जो आंसर रहा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा टेन डिजिट होते हैं अगला है द वैल्यू ऑफ वन जीरो वन टू इन डेसिमल नंबर सिस्टम दोस्तों अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा टेन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड हेक्जा डेसिमल नंबर तो इसमें आपको बताना है कौन सा वैलिड हेक्जा डेसमल नंबर नहीं था तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि जी नहीं आता है दोस्तों तो इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अगला है ए बाइनरी नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टर टू इकोबिलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ डैश डैस सक्सेसिव बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एल एस बी तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर क्योंकि हेक्साडेसिमल को दोस्तों जब हम कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों फोर जो फोर जो बाइनरी नंबर होते हैं उनको हम लेते हैं तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा फोर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है बट डे एम एस बी इन मीन बाइंड्री सिस्टम दोस्तों आपको एम एस बी की फुलफॉर्म बतानी थी तो काफ़ी आसान था दोस्तों पेपर की बात करें तो दोस्तों पेपर जो था ईज़ी आया था इस बार जो आपका कंप्यूटर सेक्शन था वो काफ़ी ईजी आया था यानी कि ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं ज़्यादा ईजी तो नहीं लेकिन ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं तो एम एस बी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका सही आंसर हो जाएगा

किया जाता है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा तिजरस अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी अगला है बीच इज द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस बाइक दोस्तों कंट्रोल प्लस बाइक जो शॉर्टकट की है ये यूज़ की जाती है रीडो के लिए ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा रीडो इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है मूविंग द कर्सर टू द लास्ट टाइल ऑफ ए टेबल एंड प्रेसिंग तो दोस्तों इसके लिए आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा यानी कि न्यू तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा एंटर अगला है इन एमएस वर्ड बिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म यूजिंग रूलर दोस्तों रूलर आपको बताना है इनमें से रूलर का यूज़ करके इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द ऑल ऑफ़ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा टू चेंज पेज बार्जन सेट टैब यानी कि टू सेट इंडेंट ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है बट इज़ द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉप वैन यूजिंग ड्रॉप कैप ऑप्शन इन एमएस वर्ड दोस्तों एमएस वर्ड में जो ड्रॉप कैप डिफॉल्ट लाइन होती है वो होती हैं थ्री तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है प्रेसिंग डैश डैश की थ्री टाइम्स सेलेक्ट द करेक्ट सॉरी करंट सेंटेंस इन एम एस वर्ड इसके लिए एफ एट फंक्शन की का यूज किया जाता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है बट फीचर हेल्प्स यू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड इसके लिए पेस्ट स्पेशल की का यूज किया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा पेस्ट स्पेशल अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इसमें जो दोस्तों वैलिड पेज मार्जिन है नहीं है तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा सेंटर इसका सही हो जाएगा अगला है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप तो दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है बुकें हैं एक पेज ओरिएंटेशन है ऑप्शन ए सही हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड सेक्शन ब्रेक इन एम एस वर्ड तो इसमें सो इसमें जो वैलिड सेक्शन ब्रेक नहीं है प्रीवियस पेज ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है इन एमएस वर्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट ई मेल मर्ज इज नॉन एज दोस्तों

बट इज़ द शॉर्टकट की इन एम एस वर् टू इंसर्ट ए मैनुअल लाइन ब्रेक तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए दोस्तों स्विफ्ट प्लस एंटर का यूज़ किया जाता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्विफ्ट प्लस एंटर अगला है बिच की कम्बिनेशन इज यूज टू मूव बैक टू प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग तो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है प्रीवियस बैक के लिए वो है आपका जो प्रीवियस बैक के लिए अल्ट प्लस टैब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा अल्ट प्लस टैब का यूज़ किया जाता है अगला है फॉन्ट साइज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा वन बाई सेवेंटी टू इसका सही आंसर हो जाएगा और आपको बता अगला है ए फोर जो पेपर सीट होती है उसका डिफॉल्ट साइज साइज़ क्या होता है आपको बताना है वो है दो सौ दस एम एम इंटू टू नाइन सेवन एम एम तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा अगला है ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड विदाउट गेटिंग टाइड तो दोस्तों विदाउट गेटिंग टाइड ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है डिलीजेंस तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल वेलेबल माइक्रोप्रोसेसर ये था इंटेल फोर थाउजेंड फोर आया था उन्नीस सौ इकहत्तर में अगला है द बर्ड एलोग्रिथम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ बिच इस्लामिक स्कॉलर ये थे दोस्तों वो थे अल अलखाजमी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अगला है हु इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट प्रोग्रामर तो फर्स्ट प्रोग्रामर थी दोस्तों लेडी एडा लवलेस ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज आल्सो नॉन एज टू पॉइंट फाइव जी तो ये है जी पी आर एस ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है विच ऑफ द इज फाउंडर ऑफ ट्विटर तो ट्विटर के जो फाउंडर है दोस्तों वो है जैक डोरसी ऑप्शन सी सही हो जाएगा कब ट्विटर को फाउंड किया कमेंट करके बताएं विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसमें विंडो नाइन नहीं है ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है ए प्रोग्राम रिटर्न इन डैश डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल तो ये थी दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है दोस्तों तो आप थोड़ा स्लो मोड में इसे कर सकते हैं अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंट्स मिज एज ए सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग सेप्स लाइक लाइन सर्कल एंड कर्व तो इसका हो जाएगा बैक्टर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा बैक्टर अगला है दोस्तों बिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है दोस्तों रैम नहीं आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल तो ये है गूगल ड्राइव ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप तो इन कंप्यूटर को जाना जाता है माइक्रो कंप्यूटर के नाम से डी हो जाएगा अगला है आपको सीक्वेंस बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेमोरी के हिसाब से दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है हु मेंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम तो ये था दोस्तों जॉन मॉन यूमन के द्वारा एडसे कंप्यूटर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है बिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया दोस्तों सेकंड जनरेशन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन ए सी डी इज आल्सो नॉन एच तो उसको कहा जाता है बर्निंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा बर्निंग अगला है बिच रजिस्टर इज यूज एज वर्किंग एरिया इन सी पी यू तो ये है दोस्तों एक्युमुलेटर ऑप्शन ए सही हो जाएगा एस की जो फुलफॉर्म होगी वो होगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगले है विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर विद पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस तो ये है दोस्तों जी पी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है विच ऑफ लोइंग इज ए बैक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस तो ये इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा प्लॉटर जो है बैक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है अगला है विच ऑफ लोइंग सॉफ्टवेयर टू इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्राउचर न्यूज लेटर एंड बुक्स तो इसका पेज मेकर सही आंसर हो जाएगा अगला है डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडेड टू द दिगिनिंग एंड और लेटर स्टेम इकॉर्ड इसको कहा जाता है सैरिफ ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है द यूजर आई डी ऑफ ए ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज उसे कहा जाता है हैंडल ऑप्शन बी सही हो जाएगा हैंडल इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है क्यू आर कोड की आपको फुल फॉर्म बतानी है तो यह है क्यूक रिस्पॉन्स कोड ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है बा डज द लेटर सी डिनोट्स इन द क्रोनिम सी प्यूथ सी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सी पी यू इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा लोड अगला है ए सी पी यू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट और ए एल यू को करता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा अर्थमेट्रिक एंड लॉजिक यूनिट अगला है बिच इज रिक्वायर्ड टू मेक ए हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट तो दोस्तों हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रिंटर अगला है डायनेमिक रैम कंज्यूम तो दोस्तों पावर एंड डैश डैश एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम तो दोस्तों डायनेमिक दैनेर्म, जो रैम है वो स्लो होती है और मोर पावर कंज्यूमर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगला है सीमोस आपको सीमोस की दोस्तों फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है तो सीमोस की फुल फॉर्म होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है वेन पावर ऑफ ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट तो आपको पूछा गया है यहाँ पर जब कंप्यूटर कौन किया जाता है तो कौन सा टेस्ट जो है वो रन करता है तो वो होता है पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है विच कंप्राइजेज ऑफ ए सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन मदरबोर्ड स्लोर्स तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा डी आई एम एम ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इम्पैक्ट प्रिंटर तो इसमें जो पूछा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपने बताना है तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है इसमें इंकजेट प्रिंटर है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण अगला है बार दा, लेटर एम स्टैंड फॉर सी एम वाई के तो एम है दोस्तों तो एम फोर में ऑप्शन बी सही हो जाएगा काफ़ी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर से संबंधित पूछे गए थे या फिर कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए थे जो आठ सौ का एग्जाम था तो अगर पेपर सॉल्व किया हुआ होगा तो काफ़ी प्रश्न उसमें से ही बन गए होंगे तो इसमें पूछा है कौन सी आपको यूनिट नहीं है मेजरिंग ऑफ सी स्पीड तो दोस्तों सी स्पीड की जो मेन, मेनिट आ, मेजरिंग यूनिट है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा टी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अगला है कैट फाइव कैट सिक्स एंड कैट सेवन आर टाइप ऑफ दोस्तों ये है दोस्तों यू केबल की टाइप्स हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा एर्थनेट केबल की ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिच कनेक्टर आर यूज इन यूटीपी केबल तो आर जे कनेक्टर का यूज किया जाता है अगला है बिच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर तो इस जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है दोस्तों एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच में अगला है एच ऑपरेट इन बिच लेयर तो एच जो ऑपरेट करता है दोस्तों ये ऑपरेट करता है एप्लीकेशन लेयर में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगला है बीच ऑफ फ्लोइंग आई पी एड्रेस रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए जो दोस्तों आई पी एड्रेस है वो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है जी एस एम एल टी ई सी डी एम ए आर बीच टेक्नोलॉजी तो ये है दोस्तों सेलुलर टेक्नोलॉजी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सेलुलर टेक्नोलॉजी अगला है बीच ऑफ फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फ्री एंड ओपन सोर्स तो लिनक्स जो है दोस्तों ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ए कार्ड तो ये कहा जाता है प्रोसेस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगला है इफ ए फाइल इज डिलीटेड इन विंडो तो ये जाती है दोस्तों रिसाइकल बिन में ऑप्शन ए अगला है बिच ऑफ फॉलोइंग करेक्टर इन नॉट अलाउड इन ए फाइल नेम इन विंडो तो दोस्तों एस्ट्रिक्स को अलाउड नहीं होता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा एस्ट्रिक अगला है बट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज तो रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए विंडोज लोगों की प्लस आर ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडो 10 तो विंडो 10 से काफी प्रश्न आए थे ऑप्शन सी सही हो जाएगा एज अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडो तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा शिफ्ट प्लस विंडोज प्लस एस तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पूछा है बिच कमांड इज विंडोज 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर ड्राइव डिस्क पार्टीशन एंड वॉल्यूम तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा इरेज हो गया है इसका जो सही आंसर होगा डिस्क पार्ट इसका जो इसके लिए आंसर होगा डिस्क पैट ऑप्शन बी था मेरे ख्याल से डिस्क पैट इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है बिच फीचर ऑफ विंडोज टेन अलाउज यूजर टू क्यूकली मिनिमाइज आल ओपन विंडोज एक्सेप्ट द एक्टिव तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शेक ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है बट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन विंडो इन विंडो टेन तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अल्ट प्लस फोर अगला है बिच ऑफ फ्लोइंग इज ए नॉट ए बिल्ट इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा समरी अगला है स्लाइड डेटस आर विजुअल इफेक्ट दैट अपियर एज वन स्लाइड चेंज टू नदर तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ट्रांजिशन अगला है बिच इज ए विजुअल इफेक्ट दैट इज एडेड टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन ए स्लाइड रेदर देन टू स्लाइड सेल्फ तो दोस्तों टेक्स्ट के लिए एनिमेशन का यूज किया जाता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बीच ऑफ द ड्राइंग ओवल टू मेक परफेक्ट सर्कल इन एमएस पावर पॉइंट इसके साथ शिफ्ट का का की यूज किया जाता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है वेन यू प्ले के प्लेस होल्डर और एन ऑब्जेक्ट इन एमएस पावर पॉइंट डैश डैश साइजिंग हैंडल अपेयर अराउंड इट ऑप्शन डी सही हो जाएगा एट इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है ए पावर पॉइंट डैश डैश इज ए पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ ए स्लाइड और ग्रुप स्लाइड दैट इज सेव डैच प्रोटेक्स फाइल तो इस जो एक्सटेंशन होता है डॉट प्रोटेक्स ये होता है टेम्पलेट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट तो ड्रॉप कैप इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है बिच ऑफ फ्लोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी पी यू डिपेंडेंट तो यह है असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिच ऑफ फ्लोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें जो है वो है कंपाइलर ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है बिच एरर इन प्रोग्राम लीड्स टू अनडिजायर्ड और आउटपुट तो ये है लॉजिकल एरर ऑप्शन ऑप्शन इसका जो ए है दोस्तों वो सही हो जाएगा लॉजिकल एरर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन तो इसमें जो कौन सा स्टैंडर्ड आपको बताना है स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं होता है बिच ऑफ फ्लोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड वि इंस्टॉलेशन तो ऑप्शन बी इसका पेंट सही आंसर हो जाएगा अगला है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन ए पी फाइल तो ये है डॉब रीडर ऑप्शन सी सही हो जाएगा डॉब रीडर अगला है वट इज द एड्रेस ऑफ द सेल रो ट्वेंटी फाइव एंड कॉलम थर्टी ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बैलिड सेल एड्रेस इन एम एस एक्सेल तो इसमें जो बैलिड सेल एड्रेस नहीं है दोस्तों इसका जो ऑप्शन है जो बैलिड सेल एड्रेस ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अगला है एम एस एक्सल हाउ मैनी सेल्स आर देर इन सेल रेंज बी टू एफ ट्वेल्व इन एम एस एक्सएल तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कितनी सेल रेंज हैं तो इसका जो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस तो दोस्तों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है नीचे आपको बताना है बट विल बी द वैल्यू ऑफ़ ए सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा फोर्टी फाइव अगला प्रश्न है बट विल बी द एड्रेस ऑफ ए सेल रेंज फ्रॉम ए थ्री टू जी फाइव इन एम एस एक्सल तो इसका ऑप्शन ए प्रोडक्ट हो जाएगा ए थ्री जी फाइव अगला है दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन एम एस एक्सएल वर्कशीट तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों सोल्व करके वो आएगा ट्वेल्व ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा ट्वेल्व इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है बी ऑफ द फ्लोइंग इज द एम एस फंक्शन टू द काउंट नंबर और एम टी इन ए गिवन रेंज तो यह है दोस्तों काउंटा ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है हाउ मैनी वर्कशीट आर प्रेजेंट इन एक्सल बर्कबुक बाई डिफॉल्ट तो यह है थ्री अगर दोस्तों यह थी पुराने मॉडल में अगर बाई ट सोलह की बात करें तो इसमें वन होती है अगला है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट इसमें पूछा गया है कौन से एम एस एक्सेल के रिगार्डिंग ट्रू है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेक्सट इज अलाइंड सॉरी टेक्सट इज दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा टैक्स इज लेफ्ट अलाइंड और नंबर जो है राइट right अलाइंड तो इसका ऑप्शन जो सॉरी डी की डी की जगह इसका जो ऑप्शन सी की जगह डी इसका सही राइट हो जाएगा अगला है बट बिल द वैल्यू आपको बतानी है बट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉर्मूला बर्क डे वन वन ट्वेंटी 2022 तो आपको बताना है दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका जो सही आंसर है वो क्या कहने वाला है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रोज टू कॉलम और बाइस वर्षा इन बर्कशीट इज कॉल्ड इसको कहा जाता है ट्रांसपोजिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है

ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज मैपिंग आई पी बिफोर एड्रेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस तो इसका ऑप्शन ए आर पी एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड लोकल आई पी एड्रेस तो दोस्तों इसमें जो वैलिड लोकल आई पी एड्रेस नहीं है ऑप्शन तो इसका सी सही हो जाएगा अगला है बिच ऑफ फ्लोइंग कमांड मेक यूज ऑफ आई सी एम पी मैसेज टू टेस्ट रिचेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफाइड कंप्यूटर ऑन दा नेटवर्क तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों सी है वो सही हो जाएगा पिंग इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है विच ऑफ लोइंग इज पॉपुलर रिलैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्टेड बाई आई बी एम तो ये है रेड हैट ऑप्शन ए सही हो जाएगा विच इज द नो इज इज द ऑन डिमांड डिलीवरी आई टी सोर्सेज ओवर इंटरनेट विच पे यू प्राइजिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा विच वायरिस रिलीज इंसिडर टू द फर्स्ट पीसी कंपेटेबल वायरस तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों बी है सही हो जाएगा ब्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है मालवेयर दैट लुक्स लाइक ए जेन्यून एप्लीकेशन टू द यूजर तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी सी पी आई पी दोस्तों आपको बताना है टी सी पी आई पी की फुल फॉर्म तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा अगला है बिच इसे प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों प्रश्न जो है रेज हो गया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो, इसका जो सही आंसर था वो था इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है हु मंग द फ्लोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब तो ये है टिम बर्नर स्ली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो ये है बिन्जिप ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिच इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट्स विच इज वन ऑफ सेवरल इनपुट लाइन थ्रू ए सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग एस्टिमल टैग इज यूज टू ड्रा ए हॉर्जेंटल लाइन हॉर्जेंटल लाइन के लिए दोस्तों हॉर्जेंटल लाइन के लिए इसका जो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन है हॉर्जेंटल लाइन के लिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा एच आर इसका सही हो जाएगा अगला है हाउ मैनी हेडिंग लेबल आर स्पोर्टेड बाई एस टीम एल इसका ऑप्शन बी जो है दोस्तों सही हो जाएगा सिक्स हेडिंग लेबल स्पोर्ट करता है एसटीम एल ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है एसटीमल टैग इज यूज टू क्रिएट ए सेल इन ए टेबल रो तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा टी डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अगला है विच ऑफ फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन आई एम जी एस टी एम एल एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द यू आर एल ऑफ द बेस फाइल इसके लिए एस आर सी का यूज किया जाता है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा एस आर सी अगला है हाउ एन इनलाइन सी एस एस इज यूज इन एन एस्टिमेल डॉक्यूमेंट इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा बाई यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एस्टिमल ऑप्शन बी कुरेक्ट हो जाएगा अगला है वट इज़ द कुरेक्ट सी एस एस रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एच वन एलिमेंट्स टू रेड तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा ये कुरेक्ट सेंटेक्स है अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग एस्टिमल टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपर लिंक इन ए वेब पेज तो हाइपर लिंक के लिए एंकर टैग का यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है इन एनलॉग कंप्यूटर तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ओनली टू इनपुट इज ए नेबर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉरम अगला है दोस्तों वाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन द सी पी यू ऑफ ए कंप्यूटर तो दोस्तों लॉजिक यूनिट का जो काम है वो है टू कंपेयर डाटा ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है माइकर स्टैंड फोर तो माइकर की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोग्निशन ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है बिच प्रिंटर यूज लाइट बी मैंड इलेक्ट्रोस्टेटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर तो लेजर प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है बिच इज ए एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमरी तो नॉन वोलेटाइल मेमरी का जो एग्जाम्पल है वो है रोम ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा रोम इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट दोस्तों जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसको जरूरत नहीं होती है कॉन्स्टेंट पावर की तो इसका ऑप्शन जो ए है वो तो सही हो जाएगा डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है कन्वर्जन कंबर, है ये जो दिया हुआ है बाइनरी नंबर आपको इसको डेसिमल में बदलना है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा सेवेंटी फोर अगला है भी चीजें कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम दोस्तों कौन कंट्रोल करता है जो यहाँ पर पूछा है बिच जे कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम तो सिस्टम प्रोग्राम जो है इसमें वो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है बिच इज क्लासिफाइड क्लासीफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज तो इनमें जो लो लेवल लैंग्वेज है दोस्तों वो है मसीन लैंग्वेज ऑप्शन सी सही हो जाएगा मसीन लैंग्वेज अगला है वैन यू इंस्टॉल ए न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज टिपिकली एडेड टू द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऑल प्रोग्राम अगला है टर्म इज यूज इन एम एस बर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग तो एडिट कहा जाता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है बाई डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन एम एस एक्सएल इज दोस्तों बाई डिफॉल्ट जो सेल इसमें अलाइनमेंट होती है दोस्तों वो होती है टेक्सट जो है वो लेफ्ट अलाइंड और नंबर लाइट अलाइन ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा अगला है ए फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल तो दोस्तों ए फाइल बीचे कंटेन रेडमेड स्टाइल्स स्लाइड दैट कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट तो इसको कहा जाता है टेम्पलेट ऑप्शन डी सही हो जाएगा टेम्पलेट अगला है इन डी बी एम एस विच लेबल ऑफ एब्सट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा इज ए स्टोर्ड तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा फिजिकल लेबल अगला है द इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट यू शूटर टू ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स लाइन अगला है पर्सनल ब्लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन था वे बार नॉन तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ब्लॉग्स अगला जो प्रश्न है बोर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इनफेक्ट अदर मशीन थ्रू दोस्तों ये बोर्म जो है नॉर्मली मूव करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से ऑप्शन बी सही हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क अगला है नंथ गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म बिच टाइप ऑफ ऑपरेशन दोस्तों इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है तो सभी के ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है द कंपाइलर कन्वर्ट योर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन इन टू दोस्तों कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन को किसमें तो ये करता है ऑब्जेक्ट कोड में ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है एमएस डो स्पोर्ट फाइल नेम अप्रूव ये सपोर्ट करता है दोस्तों एट क्रैक्टर इन लेंथ ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं अब जीके की बारी है वीडियो में बने रहिए अंत तक और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगला है निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है तो ये है दोस्तों पक्की इंटों के भवन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था तो दोस्तों ये था जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है बुद्धास प्रीचिंग बर मेनली इन रिगार्ड टू दोस्तों ये थी प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन सी अगला है दक्षिण पूर्व एशियाई में हिंदू उपनिवेश अधिकांशता किसके काल के दौरान स्थापित हुए थे तो ये थे दोस्तों चोलास के दौरान ऑप्शन डी सही हो जाएगा चोलास अगला है बीच ऑफ फ्लोइंग काउस बाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ऑफ मुगल एम्पायर दोस्तों इसमें कौन सी नीति नहीं थी तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है पल्लव राजा डैश डैश में रॉकट मंदिरों के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं तो इन्होंने बनाए थे दोस्तों रॉकट टेम्पल महाबलीपुरम में तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा महाबलीपुरम अगला है सुल्तान जिसने खिल्पा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था और स्वयं को खिल्पा घोषित किया था तो वो था दोस्तों मुबारक शाह खिलजी यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा अगला है विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया दोस्तों सबसे बड़ा जो काम माना जाता है वो है उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया था तो दोस्तों ये जो समान लौटाया था उन्होंने उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों विशेषता जलियावाला जलिया जो बाघ हत्याकांड हुआ था तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा अगला है द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बास दैट तो दोस्तों गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था कि ये जो जन आंदोलन था जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन तो ये समानता है दोस्तों ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है हु इज नॉट स्पेसिफिकली मैंसड इन आर्टिकल नाइनटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो दोस्तों स्पेसिफिकली जो मैंशन uh, नहीं है वो है फ्रीडम टू प्रेस तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रीडम टू द प्रेस अगला है बट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए राज्यसभा मेंबर दोस्तों ये है ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा दोस्तों ऊपर के प्रश्न में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं लेकिन इसका सही आंसर है प्रेस का जो है वो सही जैसे इसी के अंतर्गत आ जाता है प्रेस बाक और अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आ जाता है आर्टिकल जो 19 जो ए है उसी इस इसी के अंतर्गत आ जाता है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है बैन ए फाइनेंशियल एमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड दोस्तों फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो जब लगती है तो तब तो क्या होता है तो दोस्तों इसमें होता है कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था तो दोस्तों ये किया गया था इम्प्रूविंग क्रेडिट फैसिबिलिटीज ऑप्शन बी सही हो जाएगा ऋण सुविधाओं में सुधार अगला है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री पॉलिसी इज तो दोस्तों इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है ओपन ओपन मार्केट रेगुलेशन यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर तो लोएस्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है पी चीजें मेटामोर्फिक रोग दोस्तों कांत्री चट्टान का, का उदाहरण है संगमरमर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा मार्बल अगला है स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी सी इज तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ऑप्शन है है वो है लेगून, सी सही हो जाएगा अगला है इंडियन डिजर्ट इज नॉन एज दोस्तों इंडियन डिजर्ट जो है वो है थार ऑप्शन सी सही हो जाएगा लोकटेक क्या है तो ये है एक झील ऑप्शन डी आपको बताना है कौन से राज्य में ये है। अगला है बिच ऑफ द फ्लोइंग एरिया, एरिया ऑफ इंडियन सबकोन्टीनेंट बिकम्स द एरिया ऑफ प्रेशर इन समर दोस्तों ये है नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अगला है फूलों की घाटी कौन से राज्य में है तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा उत्तराखंड अगला है मुंबई हाई रिलेटेड टू तो ये संबंधित है दोस्तों पेट्रोलियम से ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है रेस्पायरेशन प्रोसेस रिक्वायर तो दोस्तों रेस्पायरेशन प्रोसेस में किसकी जरूरत होती है ऑक्सीजन की ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज तो दोस्तों वो होती है ग्लूकोज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगला है पर्सन सफरिंग फ्रॉम माओपिया आर एडवाइज टू तो उसको दोस्तों केव लेंस की सलाह दी जाती है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेगुलेटर अगला है केमिकली लाइम वाटर इज दोस्तों ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ऑन एक्साइड तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा एल्यूमिनियम अगला है अगला है दोस्तों माफ़ करना थोड़ा सा इसमें जो है दूर चली गई है तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है एच पी जी के यहाँ से शुरू हुआ है स्पिति एंड किनौर आर सेपरेटेड फ्रॉम द तिब्बत बाय बिच माउंटेन रेंज तो दोस्तों स्पिति और जो किन्नौर हैं ये अलग होते हैं जांचकर रेंज से ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है हांग्रग घाटी तो ये है किन्नौर जिले में ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे लार्जेस्ट रिवर में दोस्तों लार्जेस्ट जो रिवर है वो है चिनाब और जो लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट है सतलुज तो आपने याद रखना है यहाँ पर चिनाब इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है बाय बिच नेम हाचल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द टूरिज्म मैप तो ये है देवभूमि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगला है शीति इज लोकेटेड इन विस डिस्ट्रिक्ट तो दोस्तों ये है कुल्लू में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा पी तो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर जो थे वो थे कृष्ण चंद्र ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट रूरल एंड प्रजा मंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन तो दोस्तों इसका अध्यक्ष थे दुर्गा सिंह ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है अगला जो प्रश्न है दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है माफ करना थोड़ा सा आगे चली गई है तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दुर्गा सिंह ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है डॉक्टर बायस परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पारसी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया तो ये किया 24 मार्च 1952 ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिथ सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पोंटा साहिब गुरुद्वारा तो दोस्तों ये थे गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है शिमला के मॉल की दीवारों पर भी चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं तो इसके जो सृजक हैं वो हैं एम सी सक्सेना ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिच कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूलर रूल ऑफ रूल अकबर दोस्तों ये थे धर्मचंद ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा धर्मचंद अगला है भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया तो यह किया अठारह दिसंबर उन्नीस को ऑप्शन बी सही हो जाएगा अठारह दिसंबर उन्नीस को अगला है कांगयांग बाक्यांग एंड बयांगचू जो है ये क्या है फेमस डांस हैं इसके तो ये हैं किन्नौर के ऑप्शन डी सही हो जाएगा किन्नौर अगला है स्पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल देश ने कब प्राप्त किया ये किया था 1988 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है सन उन्नीस में 89 में दोस्तों आपको बताना है प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ तो ये था जयदेव किरण को ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है यूरोपियन नाभिकीय अनुसंधान संगठन ने हाल में किस देश का पर्यवेक्षक दर्जा निलंबित किया है तो दोस्तों यह दर्जा निलंबित किया है रूस का ऑप्शन ए सही हो जाएगा रूस इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है वाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों ए है वो सही हो जाएगा बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी अगला है बट इज परम गंगा बिज इन न्यूज रिसेंटली तो परम गंगा क्या है दोस्तों ये एक, एक है सुपर कंप्यूटर ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है बिज कंट्री इज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज तो दोस्तों क्रूड ऑयल का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है यूएसए ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों तो रीजनिंग का जो प्रश्न है यहां पर आपको कोडिंग से प्रशन दिया हुआ है इन ए सर्टेन कोड सब्सटीट्यूशन अगर इस तरह लिखा जाता है तो आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह लिखा जाएगा तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है दोस्तों चौबीस छात्रों की एक पंक्ति में जब जानकी बाई और चार स्थान शिफ्ट होती है तो वे बाएं से आठवें स्थान पर आ जाती है पंक्ति में दाई और उसकी पूर्व स्थिति क्या थी तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है पॉइंटिंग pointing to a woman in a photograph man says she is only daughter of my father mother in law how is the woman related to the man to ye ho jayega mother iska sahi answer ho jayega agla hai antonym of word dispondency dosto dispondency ka jo iska sahi answer ho jayega dispondency ka jo sahi answer ho jayega wo ho jayega Pleasure, pleasure बोल सकते हैं दोस्तों डिस्पोडेंसी होती है निराशा जैसे तो इसका जो antonym हो जाएगा pleasure प्लीजर इसका सही हो जाएगा या फिर चीरफुलनेस भी हो सकता है आप देख लेना अगला है वन बर्ड सब्सिट्यूशन फॉर कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग इज तो ये है प्रिजर्वेंस ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला है अजीत प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम बट डिड नॉट टर्न अप ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है मीनिंग ऑफ द एडियम टू कीप द बाल रोलिंग इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू चेंज द स्टोरी स्कीम ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला है सुरेश की संधि आपको बतानी है ऑप्शन सी सही हो जाएगा सुलक्षण में कौन सा समास है तो ये है अभी अभी वाह समास ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है चोरी में प्रत्यय तो दोस्तों चोरी में जो प्रत्यय है वो है ई प्रत्यय ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला है कौशल का प्रयवाची तो दोस्तों कौशल का जो प्रयवाची हो जाएगा वो हो जाएगा पाटव इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा तो दोस्तों हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल